मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में वेलकम है। और अभी आज अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, आई थिंक अराउंड 10 o'clock हो रहा होगा। एंड सुबह के टाइम ना घर थोड़ा आइस कोल्ड हो जाता है बिकॉज लाइक अर्ली मॉर्निंग हीटिंग ऑफ हो जाता है 1-2 घंटे के लिए बीच में, तो घर एकदम आइस कोल्ड हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में हीटर हाई स्पीड पे चला देती हूँ। एज इन हीटर अगर हाई स्पीड पे हो ना फिर आपको उठने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर जैसे ठंडा ठंडा एकदम बर्फ़ जैसा रूम होता है ना तो फिर उठने का मन ही नहीं करता। और मुझे लगता है ना जितनी ज़्यादा ठंड ना बर्फ़ में होती है उससे कई ज़्यादा ठंड, मतलब बारिश की वजह से जो ठंड होती है ना वो ज़्यादा होती है वर्सेस अगर बर्फ़ के टाइम जो ठंड होती है। और अभी बाहर से विंडो का व्यू ना एकदम ऑरेंज ऑरेंज सा आता रहता है, लाइक बहुत ही अच्छा प्लीजिंग लगता है। तो मैंने मुझे काम तो बहुत होता है मॉर्निंग में, सभी को होता है काम, लेकिन मैंने मुझे अच्छा लगता है आराम से ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स करो, चिल करो। फिर मैंने यार भाई सुबह को वार्म वाटर लेमन डाल के थोड़ा सा पिया। आप लोग बोल रहे थे बाल नहीं कटवाने के लिए, तो मेरा भी पता है आपको, मुझे बाल लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे इंडिया में जब बहुत पहले 2016 में तो मेरे कमर से भी काफ़ी नीचे तक बाल हुआ करते थे, मतलब अभी जितना है उसका 5 times था मेरा बाल लंबा। तो आप सोच सकते हो मेरे कितना मुझे पेनफुल हुआ होगा अपना बाल को काटना। लेकिन वही होता है ना, कुछ मजबूरियाँ हो जाती है, जैसे आपका हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है तो फिर आपको हेयर कट लेना ही पड़ता है। अभी तो मेरा ऐसा हेयर फॉल, ठंड में तो हेयर फॉल एनी वे भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है सभी का, दैट्स नथिंग न्यू। मैंने अब बेड वगैरह सब कुछ अच्छे से अरेंज कर लिया, क्योंकि पूरा घर ना अगर बेड अच्छे से अरेंज ना हो ना तो पूरा घर एकदम लगता है डिसऑर्गेनाइज टाइप का। एक बार आपका ब्लैंकेट्स वगैरह फोल्ड हो गया, बेसिक क्लीनिंग हो गई बेड की, तो और वैसे भी मुझे आज पूरे घर की क्लीनिंग करनी थी, घर की नहीं एज इन वैक्यूम थोड़ा बहुत कर दूंगी। अपने लिए बना ली थी अच्छी वाली एकदम स्ट्रॉन्ग वाली कॉफ़ी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा क्लीनिंग करना है। पहले तो जो रूम का मैं ज़्यादा देर तक क्लीनिंग करती हूँ, तो उसके पहले मुझे खुद को गियर अप करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि क्लीनिंग के नाम से ना मुझे नानी याद आने लगती है, पता नहीं क्यों। कुकिंग तो फिर भी मैं कर लेती हूँ, क्लीनिंग मुझे पसंद नहीं उतना करना, लेकिन मजबूरी ये करना पड़ता है। और आज बारिश जैसा मौसम था ना, तो वेदर एकदम बारिश हो रही थी रुक रही थी, बारिश हो रही थी रुक रही थी, इस वजह से एकदम लूमी लूमी सा था। अजीब सा वेदर था, कोई भी ऐसे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखता, लेकिन कुछ भी एकदम करने का मन नहीं हो रहा था। मुझे अभी तक इतनी नींद आ रही थी इसलिए मैंने अपने लिए एकदम स्ट्रॉन्ग वाली कॉफ़ी बना ली थी। एंड आई डोंट नो फॉर सम रीज़न, मुझे ना आजकल टी बनाने में बहुत आलस आता है, उसमें अदरक डालो ये डालो वो डालो, इससे अच्छा मुझे लगता है ना फटाफट से मिल्क थोड़ा सा स्टीम करो और इस बारिश वाले स्नो के पहले वाले वेदर को हेलो और बाय बाय दोनों करते एक्चुअली कॉफ़ी से। अब मुझे ना यहाँ बाहर विंडो का व्यू लेने के लिए या तो सोफे पे बैठना पड़ता है या फिर यहाँ से तो कुछ दिखता नहीं, मेरी हाइट तो इतनी है नहीं कि मुझे इतना ऊँचा दिखे, लेकिन यहाँ पे ठंड इस एरिया में बहुत ज़्यादा होती है ना, इसलिए विंडोज़ को वो लोग जो रूम का विंडोज़ है उसको वो लोग ज़्यादा दे कांट मेक इट पूरा एकदम बॉडी लेंथ तक, नहीं तो फिर ठंड काफ़ी हो जाएगी। एनीवे भी यहाँ पे ये रूम जो है ना बहुत ठंडा हो जाता है, जैसे लिविंग एरिया कंपैरेटिवली वार्म रहता है लेकिन रूम पता नहीं हमेशा एकदम आइस कोल्ड रहता है, तीन दो हीटर हमेशा चलते रहता है एकदम से। पता है कोई ज़्यादा हीटर भी चलता है ना तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, लाइक ऐसा लगता है ना बॉडी से किसी ने सारा एनर्जी सब कुछ ऐसे ड्रेन आउट कर लिया है। सो मुझे दिन भर ऐसे हीटर लगा के रखना भी पसंद नहीं है।
वैक्यूम कर दिया था, और ये वाला एरिया मतलब मैं तो दिन भर रूम में ही रहती हूँ मोस्टली, तो जैसे किचन में रहे उसके बाद रूम में अपना ब्लैंकेट वगैरह लेके बैठ जाती हूँ, तो मुझे रूम का तो एटलीस्ट मैं हर एवरी अदर डे, तो यहाँ गंदगी तो नहीं होती, मतलब डस्ट वगैरह उड़ता नहीं है, और ठंड में भी ऐसे बहुत कम गंदगी, तो कुछ भी डस्ट वगैरह निकलता नहीं है, लेकिन वो मेरा माइंडसेट है। जैसे ना मैंने यहाँ पे दो दो तीन तीन कारपेट डाल रखे, कारपेट के ऊपर कारपेट डाल रखा है, थोड़ा सा ना विंटर्स में ऐसा मन करता है ना घर को कोजी कोजी बना के रखो, और कारपेट वगैरह से घर थोड़ा कोजी तो लगता है, लेकिन मेरा वो है कि मुझे क्लीन करना है, अगर क्लीन साफ भी है तब मुझे लगता है अगर क्लीन कर लो ना तो माइंड से लगता है कि हाँ अब खुद भी क्लीन हो गया, घर भी क्लीन हो गया, तो एकदम परफेक्ट जैसा फील होता है। ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं, बहुत मतलब लेट से उठी थी तो ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, और फिर इधर उधर करती रह गई, तो ब्रेकफास्ट कभी स्किप तो नहीं करना चाहिए, तो मेरे पास कल का थोड़ा सा लेफ्ट ओवर करी था, तो मैंने सोचा अपने लिए फटाफट से लंच के लिए ना रोटी बना लेती हूँ और लेफ्ट ओवर करी के साथ खा लूँगी। तो मुझे ये नहीं लगता मतलब यहाँ विंटर्स में आई मीन आप इमेजिन नहीं करोगे, फ्रिज में भी नहीं रखोगे तो खाना आपका ख़राब नहीं होता है, आइस कोल्ड ही रहता है, तो वो एक चीज़ होती है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ एक सब्ज़ी एक से दो बार, और मेरा मतलब इतना ज़्यादा मेरा डाइट भी नहीं है, तो फिर एक बार में ख़त्म भी नहीं होता। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं आज लेमन राइस, तो कुछ पीनट्स मैं लेमन राइस में डालूंगी, और कुछ पीनट्स जो है ना मैं ऐसे उसको मतलब ड्राई रोस्ट कर लिए मैंने, तो उसको ऐसे डब्बे में डाल के रख लूंगी, सो दैट कभी भी स्नैकिंग करने का मन हुआ तो, मुझे लगता है ना मैं 10 पीनट भी खा लेती हूँ ना मेरा पेट एकदम फुल हो जाता है, और नहीं तो फिर मिक्सचर वगैरह वही डीप फ्राइड चीज़ें बैठ के खाती रहती हूँ, मतलब वेट तो मेरा नहीं बढ़ता लेकिन मुझे लगता है डीप फ्राइड चीज़ें जितनी अवॉइड करो उतनी अच्छी है, मिक्सचर या नमकीन कभी कभी ही अच्छा लगता है, हमेशा मतलब आप खा तो लेते हो बट मुझे बहुत गिल्टी फील होता है खाने के बाद, ऐसे लगता है मैंने अपनी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार जो बोलते हैं ना अत्याचार कर दिया है। और लेमन राइस में मतलब जनरली करी लीव्स भी डलता है, फिर उड़द दाल का तड़का भी डलता है, लेकिन मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स और फिर एलपिनो से उसका तड़का लगाया, उसमें मस्त ढेर सारा मैंने लेमन डाला घर का बना हुआ, मतलब घर पे फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन, मैं लेमन को मंगा के घर पे रखती हूँ और उसको एकदम डाल के अच्छे से उसमें पीनट्स वगैरह डाल के डाली, और लेमन डालने से ना आपका चावल एकदम खिला खिला सा हो जाता है, जैसे कि बिरयानी वगैरह भी कुछ लोग बनाते हैं तो उसकी राइस के लिए उसमें लेमन डालते हैं राइट, तो एकदम मस्त सा खिला खिला सा हो जाता है। एंड ये और कोई भी राइस बनाओ ना, पुलाव बनाओ, नॉर्मल राइस बनाओ, अगर चावल खिला खिला है जैसे लाइक ऐसे अलग अलग उसके दाने होते हैं ना, तो जो टेस्ट में तो अच्छा लगता है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे गीला गीला जैसे मेरे से भी कई बार हो जाता है चावल गीला, लेकिन अगर चावल गीला ना हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ये बहुत टेस्टी भी बनाता है, लाइक हम लोग का पूरा पूरा भी नहीं हुआ था, तुरंत से ख़त्म हो गया था, तो हमने नेक्स्ट डे भी यही बना के खाई थी आप विश्वास नहीं करोगे, होता है ना कभी कभी हम जानते हैं वो रेसिपी लेकिन ऐसे ना दिमाग से निकल जाता है कि मतलब ये रेसिपी भी हम बना सकते हैं, तो मैं कल इंस्टाग्राम रील पे मैंने देखा लेमन राइस, तो मुझे क्लिक किया नहीं बना लेते हैं, और साथ में मैंने बनाई है रायता, बहुत ही बोरिंग सा लेकिन हेल्दी सा रायता है ये, इसमें गाजर डाला है मैंने, डेढ़ या दो गाजर मीडियम साइज़ की, एक टमाटर, गार्लिक, सॉल्ट, थोड़ा सा एकदम हल्का सा चाट मसाला और सॉल्ट और ब्लैक पेपर, एंड गार्लिक सॉल्ट मैं डालती हूँ ना किसी भी चीज़ में, इतना अच्छा उसका फ्लेवर हो जाता है, मतलब स्पेशली अगर आपका ग्रीक योगर्ट या फिर जो थिक वाला योगर्ट होता है उसमें डालने के बाद तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है, लेकिन इतना थिक थिक सा बना, इसमें इतनी सारी रॉ वेजिटेबल्स भी डल गई।
यहाँ पे मैंने अपने लिए सैलेड भी बना लिया है, क्योंकि मुझे सैलेड खाए हुए दो दिन हो गया, मैंने खाई नहीं है। मुझे कोई बना के दे तो मैं खा लूँ, लेकिन ऐसे मुझे खुद में बहुत मेहनत लगती है। उसको धो इतने देर तक, फिर उसको चॉप करो, फिर उसको उसमें वो दही का ड्रेसिंग बनाओ एंड ऑल ऑफ दैट। इसीलिए मेरा ना हमेशा सैलेड खाना सबसे लास्ट का हो जाता है, क्योंकि होता है ना, आप फैमिली के लिए कुक करो तो ठीक है, अपने लिए अगर कुछ स्पेशली कुक कर रहे हैं ना, घर में सैलेड सिर्फ मैं ही खाती हूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसा लगता है हम कौन सा जंग पे जा रहे हैं, इसीलिए ना। और यहाँ मेरा ऑलमोस्ट मेरा आज किचन में ज़्यादा देर काम करने का कुछ मन था नहीं, तो मैंने बस जो भी वो थोड़ा सा रायता बनाया, अपनी ये लेमन राइस बनाई, और उसके साथ मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। आज मेरा करी वगैरह बनाने का मन नहीं कर रहा था, आज थोड़ा ना सिंपल सिंपल सा खाने का मन कर रहा था। हर दिन ना ऐसे करी खाने का मन भी नहीं करता, जैसे रायता हो गया, लेमन राइस हो गया। आज करते करते किचन का काम और इधर उधर करते करते मेरा 3 बजे तक अराउंड 4000 स्टेप्स हो गया था। तो शाम में वॉक पे भी गई थी, उसके बाद तो मेरा अराउंड 10,000 स्टेप्स पूरे मेरा किचन में ही 3-4 हज़ार स्टेप्स हो जाता है। आप लोग भी ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि आप लोग जब घर का काम करते हो तो कितने सारे स्टेप्स हो रहे हैं, तो उससे थोड़ा आइडिया मिलता है कि हम दिन में फिजिकली कितने एक्टिव हैं। एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर वेट लॉस, खुद की खुशी के लिए मुझे अच्छा लगता है ट्रैक करना। मतलब बहुत लोग को नहीं करते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ट्रैक करना। और ये एप्पल वॉच का भी एक्चुअली मैं यूज़ कर रही हूँ, इतने दिन से पड़ा हुआ था, यूज़ भी नहीं होता था। बाहर फिर से झमाझम फिर से बारिश होने लगी। मैंने सोचा थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, रायता तो था, लेमन राइस भी थी, मैंने मेरा कुछ दिमाग और काम किया नहीं, तो मैंने जालपीनो और जीरा का तड़का लगा के लहसुन वगैरह डाल के सिंपल सा दाल बना लिया। और ये वाली दाल हम लोग की फेवरेट है, मतलब लहसुन, जालपीनो, जीरा, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मतलब इसके अलावा कुछ भी डाल दो ना, तो फिर वो टेस्ट ही नहीं आता ऑथेंटिक वाला। इसके साथ स्टीम राइस भी ना इतना यमी लगता है। अपना मस्त सा डिनर रेडी हो गया है, डिनर नहीं, हम लोग ऐसे 6 बजे तक फिनिश हो जाता है, फिर रात को मिल्क वगैरह पी लेते हैं, बादाम डाल के मिल्क वगैरह पी लेते हैं। तो शाम में अगर 5 बजे तक ख़त्म हो जाता है ना डिनर वगैरह, फिर रात में अब थोड़ी आपके पेट में जगह होती है मिल्क पीने के लिए। और उसके बाद होने लगी थी स्नोफॉल, मतलब मैं तो उसके बाद थक के मतलब रेस्ट कर रही थी, लेकिन बाद में देखा इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होने लगी थी।